हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरेज चैप्टर के अंतर्गत जो नंबर सिस्टम पर बेस्ड प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर। इस क्रम में हम एक वीडियो दे चुके हैं, अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है एवरेज चैप्टर के नाम से, पहला पार्ट है वो। आज के इस वीडियो में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों पर बात करते हैं। तो एवरेज के अंतर्गत जो नंबर सिस्टम पर बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी पर अगर हम बात करें तो कुछ योग घटाने और गुणा और भाग पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कह दिया जाता है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। तो इसी क्रम में पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों में जहाँ पर गुणा भाग जोड़ घटाना पर बात किया जाता है तो ऐसे एक प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो जो औसत होता है उसी में हम जोड़े जाने वाली संख्या को जोड़ देते हैं तो वो नया औसत हो जाता है। जैसे इस प्रश्न में कहा गया कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है, फिर कहा गया कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत में हम 5 जोड़ देंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या में कहा है कि 5 जोड़ने को, तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो हम संख्या में 5 जोड़ देंगे तो नया औसत हमें मिल जाएगा 35। तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में एक अचर राशि a जोड़ दिया जाए तब औसत 32 हो जाता है, तब a का मान कितना है। प्रश्न दिया गया कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, अब प्रत्येक संख्या में कहा गया कि एक अचर राशि a जोड़ दिया गया तब औसत हो जाता है 32, तब औसत हो जाएगा 32। तो जोड़ी गई संख्या पूछा है तो 30 और 32 में कितने का अंतर है, 2 का। ये 2 का अंतर क्यों आया, क्योंकि सभी संख्या में एक अचर राशि a जोड़ी गई है तो उस a का मान कितना हो जाएगा, जितना औसत में वृद्धि हुई है तो a का मान 2 आ जाएगा। इसी तरह आपसे घटाने के लिए कहा जा सकता है, जैसे कह दिया जाए कि 15 संख्याओं का औसत 35 है, 15 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तब नया औसत कितना हो जाएगा। कहा गया कि 15 संख्याओं का औसत 35 है, फिर कहा गया कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तब नया औसत कितना हो जाएगा। तो प्रत्येक संख्या में 3 घटाने को कहा जा रहा है तो औसत में भी 3 घट जाएगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 32। तो इस प्रकार आप प्रश्न को कर सकते हैं। तो जोड़ घटाने पर अगर प्रश्न पूछा जाए तो जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ा या घटाया जाए उतना ही हम औसत में भी जोड़ या घटा देते हैं। कुछ और प्रश्नों पर बात करते हैं जहां पर गुणा या भाग करने के लिए आपसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहा गया कि 23 संख्याओं का औसत 99 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दे दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। कहा गया कि 23 संख्याओं का औसत 99 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जा रहा है तो औसत में भी हम 3 से भाग दे देंगे तो नया औसत कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 33। तो इस प्रकार नया औसत कितना हो जाएगा, 33। इसी तरह गुणा पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न है, कहा गया कि 105 संख्याओं का औसत 23 है, 105 संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। प्रश्न में कहा गया 105 संख्याओं का औसत 23 है, फिर कहा गया कि यदि प्रत्येक संख्या में 4 से गुणा कर दिया जाए, तो संख्या में 4 से गुणा किया जा रहा है तो इसलिए हम औसत में भी 4 से गुणा कर देंगे तो नया औसत कितना हो जाएगा, 23 चौक 92। तो इस तरीके से चाहे आपसे गुणा करने के लिए कहा जाए, भाग करने के लिए कहा जाए, जोड़ने या घटाने के लिए कहा जाए, तो अगर प्रत्येक संख्या में जिस संख्या को जोड़ा घटाया गुणा या भाग किया जाता है औसत में भी वही प्रोसेस उसी संख्या से किया जाता है, जैसा कि आप ही आपने इन प्रश्नों के माध्यम से देखा। दोस्तों, इसके अलावा क्रमिक संख्याएं देकर, लगातार या क्रमागत संख्याएं देकर
आपसे ठीक मध्य वाली संख्या पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या पूछा जा सकता है। तो इन पर आधारित जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कहा जाए कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तब सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का मान बताएं। जैसे कहा गया कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, तो औसत को हम क्या कहते हैं, जब संख्याएं क्रमागत दी जाएं तो औसत जो होता है ठीक मध्य वाली संख्या होता है। तो इस प्रश्न में कहा गया कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, अर्थात ठीक मध्य वाली संख्या 25 है। तो दो संख्याएं इसके आगे हो जाएंगी, दो संख्याएं इसके पीछे हो जाएंगी। तो इसके पीछे की दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो इसको हम लिख लेंगे 24 और 23, और इसके आगे की दो संख्याएं कौन सी होंगी, 26 और 27। तो अगर इसको हम ऐसे लिखें तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछा, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 27, सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 23। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 18 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है। कहा गया कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 18 है, औसत 18 है, अर्थात 7 संख्याओं में से ठीक मध्य वाली संख्या 18 है। तो 7 संख्याएं थी, एक संख्या 18 है जो कि मध्य में है, तो 3 संख्याएं इसके आगे हो जाएगी और 3 संख्याएं इसके पीछे हो जाएगी। तो इसके आगे की संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 19, 20 और 21, अर्थात सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 21। सबसे छोटी संख्या अगर निकालना होता हमें तो कैसे निकालते हैं, 3 संख्याएं इसके पीछे हैं, अर्थात हम 3 घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या हमें मिल जाएगी कितनी, 15। तो अगर सबसे छोटी संख्या पूछा तो हम इसका आंसर देते 15। देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का औसत 450 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का मान कितना है। कहा गया कि 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 450 है, औसत 450 है, अर्थात ठीक मध्य वाली संख्या कितनी है, 450। अब 3 संख्याएं थी तो एक संख्या इसके आगे होगी, एक संख्या इसके पीछे होगी, तो आगे वाली संख्या कितनी है, 451 हो जाएगी, और पीछे वाली संख्या कितनी हो जाएगी, एक कम, एक घटा देंगे 450 में से, तो 449। तो पूछा है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का मान कितना है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर संख्याओं की संख्या सम है तब ठीक मध्य वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर औसत दिया जाए तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे इस प्रश्न में कहा गया कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 13.5 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। कहा गया कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 13.5 है, 13.5 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। 4 संख्या में से एक संख्या तो हमने लिख दिया जो औसत है, तो बची कितनी संख्या है, 3 संख्याएं। तो 3 का आधा करिए और उसका आधा एक तरफ जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। अगर चूंकि 4 संख्याएं थी, एक संख्या हमने लिख दिया, तो बची 3 संख्याएं, 3 को आधा करके अगर हम घटा देते हैं तो हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो 3 का आधा होता है 1.5, तो 13.5 में अगर 1.5 जोड़ दें तो मान कितना आ जाएगा, 15। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 15, और 13.5 में से अगर 1.5 घटा दें तो मान कितना आ जाएगा, 12। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 12। पूछा है सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें, तो 12 और 15 का योग कितना हो जाएगा, 27। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 13.5 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 13.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, 6 में से एक संख्या तो हमने लिख दिया, बची कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 का आधा करिए, उसको एक तरफ जोड़ दीजिए, एक तरफ घटा दीजिए, जोड़ेंगे तो 5 का आधा अर्थात 2.5 अगर जोड़ेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 16, और अगर घटा देंगे 2.5 तो हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी कितनी, 11। तो जो 6 क्रमागत संख्याएं हैं उनकी अगर आप सीरीज लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 11,
बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह और सोलह। तो जो छह क्रमागत संख्याएं हैं वो ये हैं, और उनका औसत देखेंगे तो आप 13.5 आएगा। सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो 16 आएगा, और सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो 11 आएगा। तो आप इन प्रश्नों को ऐसे कर सकते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 है, तब सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है। कहा गया कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 है, तब सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है। तो चूंकि दो अगर सम संख्याएं लिखी जाए, जैसे दो और चार, तो इनका अंतर दो होता है। तो हमेशा जितनी संख्याएं कहा जाए, जैसे कहा गया कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 है, तो बची कितनी संख्या? चार। पांच क्रमागत संख्याएं थी तो एक संख्या अगर उसमें से 50 है तो बची कितनी संख्याएं? चार। तो चार इसके एक तरफ जोड़ दीजिए तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, चार इसमें से घटा दीजिए तो हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो 50 4 54 सबसे बड़ी संख्या है, और 50 में से 4 घटाएंगे तो 46 जो आएगा वो इस पांच क्रमागत संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या होगी। तो आप इन प्रश्नों को ऐसे कर सकते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि सात क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, तब सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। कहा गया कि सात क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 24। अगर सात क्रमागत सम संख्याओं में से ठीक मध्य वाली संख्या 24 है तो तीन संख्या इसके आगे होगी और तीन संख्या इसके पीछे होगी, और सम संख्या में कितने का अंतर होता है? दो का अंतर होता है। तो तीन संख्याएं इसके आगे हैं, तो सात संख्याओं में से एक संख्या हमने लिख लिया तो बचा कितना? छः। तो छः इसके आगे जोड़ देंगे तो 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30। तो सबसे बड़ी संख्या जो आ जाएगी वो 30 आएगी। सबसे छोटी संख्या आप निकालना चाहते हैं तो 6 घटा दीजिए, तो 24 में से 6 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा? 18। तो जो सात संख्याएं हैं उसमें सबसे छोटी संख्या है 18, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 30। अगर आप इसकी सीरीज लिखना चाहते हैं तो 18 से लिखना शुरू कर दीजिए, 18, 20, 22, 26, 28 और 30। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सात संख्याएं हो जाएंगी, तीन ये ठीक बीच में जो संख्या है वही उसका औसत है। अगला प्रश्न दिया गया कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तब इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, जबकि 27 एक विषम संख्या है, ये तो सम संख्या है नहीं, तो ये तो उस सीरीज में शामिल नहीं होगी चार संख्याओं की सीरीज में। तो कहा गया कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, कहने का मतलब ठीक मध्य में ये संख्या है 27, तो दो संख्याएं इसके आगे हो जाएंगी और दो संख्याएं इसके पीछे हो जाएंगी जो कि सम संख्याएं होंगी। तो इसके पीछे की सम संख्या कौन सी होगी? 24 और 26, और इसके आगे की सम संख्या कौन सी होगी? 28 और 30। तो यही वो चार संख्याएं हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी चाहे आपसे पूछे चाहे सबसे छोटी पूछे, इस प्रश्न में पूछा गया कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या 30 है। अगला प्रश्न है, कहा गया कि आठ क्रमिक सम संख्याओं का औसत 75 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है। कहा गया कि आठ क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है? 75 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 75 तो एक विषम संख्या है, जो कि सम संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं, और उनका औसत 75 है, अर्थात इसके आगे चार संख्याएं होंगी जो सम होंगी और इसके पीछे चार संख्याएं होंगी जो विषम होंगी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 75 के आगे 76 होगी एक सम संख्या, 76, 78, 78 के बाद 80, 80 के बाद 82। तो सबसे बड़ी सम संख्या इस सीरीज कौन सी हो जाएगी? 82 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना आ जाएगा? 82। इसी तरह विषम संख्याओं पर बेस्ड प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कहा जाए कि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 29 है, तब उनमें सबसे छोटी संख्या कितनी है। तो पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 29 है, तो ठीक मध्य वाली संख्या कितनी है? 29 है। तो पांच संख्याएं थी
एक संख्या ठीक मध्य में है तो पांच संख्याओं में बची कितनी, चार संख्याएं। तो दो विषम इसके आगे होगी और दो विषम इसके पीछे होगी, तो आगे वाली विषम कौन सी हो जाएगी, 31 और 33। जबकि सबसे छोटी विषम अगर पूछ ले तो इसके आगे एक विषम होगी 27 और कितनी होगी, 25। तो इस प्रश्न में पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 25। तो इस प्रश्न का सही आंसर 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी पर बेस्ड है, एक प्रश्न और देखते हैं। कहा गया कि 17 लगातार विषम संख्याओं का औसत 243 है, तब उनमें सबसे छोटी संख्या कितनी है। कहा गया कि 17 लगातार विषम संख्याओं का औसत 243 है, सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो 17 में से एक संख्या तो 243 है, तो बची कितनी संख्या है, 16। तो 16 अगर हम घटा दें इसमें से तो हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, तो घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, 27, 227। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा, 227 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या मान लो इसमें पूछ लेता तो हम 16 जोड़ देते, तो 16 जोड़ देते तो मान कितना आ जाता, 259। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न में पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 227। तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अच्छा, और कैसे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर देख लेते हैं उसको भी। इस प्रश्न में कहा गया कि ए बी सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, तब बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। चार संख्याएं कहा गया, विषम संख्याएं ए कामा बी सी और डी, चार संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। 42 तो विषम संख्या है नहीं, 42 तो एक सम संख्या है, तो चार संख्याएं हमें प्राप्त करनी है, तो कैसे करेंगे, दो विषम इसके आगे होगी तो वो विषम कौन सी होगी, 43 और 45। अब दो विषम इसके पीछे होगी तो वो विषम कौन सी होगी, 41 और 39। पूछा है कि बी तथा डी का गुणनफल, तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी। बी तथा डी का गुणनफल अर्थात 41 गुणे 45, तो इसको करेंगे तो 45 एक नम 45, 45 चौको 180, 4 184, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1845। तो इस तरह आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं जो कि क्रमागत संख्याओं पर वेस्ट पूछे जाते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।